वेलकम बच्चों, कैसे हो आप लोग सब? बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक ठाक। आज हम बहुत सारा काम करने वाले हैं, आज हम लोग वर्क करने वाले हैं। और हम लोग जो तुम लोग बैठे होगे, मैं बोर्ड पे लिख रहा होऊंगा, है ना, तो हम लोग मिलकर के बहुत सारा काम करेंगे, पढ़ाई का काम करेंगे। लेकिन जिस काम की हम लोग बात कर रहे हैं वो है फिजिक्स की भाषा में वर्क। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे फिजिक्स की भाषा में वर्क, नॉर्मल भाषा में नहीं, कॉमन भाषा में नहीं, हम लोग फिजिक्स की भाषा में बात करेंगे वर्क के बारे में। और फिजिक्स की लैंग्वेज में जिस वर्क की हम लोग बात करते हैं वो वर्क सबके लिए, जो कोई भी उसको निकालना चाहे, ठीक है, वो हमेशा वही आंसर बताएगा। हो सकता है कि रियल लाइफ में कोई बहुत बैठे बैठे काम करता है, थिंकिंग का काम करता है, प्लानिंग करता है, उसको बहुत सारा काम करना पड़ता है। और हो सकता है कि एक लेबरर खेत में काम करता है, या फिर एक फार्मर खेत में काम करता है, या एक मजदूर बिल्डिंग बनाता है, तो बहुत सारा काम करता है। लेकिन दोनों के काम को नापने का तरीका देखो कितना अलग अलग है। एक बैठे बैठे जो प्लानिंग करता है उसको बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, और जो मजदूर और जो फार्मर खेत में काम करता है वो बहुत कम कमा पाता है कि नहीं? तो ये जो नापने का तरीका, ये ठीक नहीं है, ये हर एक के लिए अलग अलग है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। एक किसान से पूछोगे तो वो कहेगा जी सारे दिन लगे रहते हैं, पसीना बहाते रहते हैं, परेशान रहते हैं, और फिर भी हम लोगों को अपनी उपज का, अपनी प्रोड्यूस का उतना पैसा नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। और एक आदमी ऑफिस में एसी वाले कमरे में बैठ करके थिंकिंग करता रहता है, प्लानिंग करता रहता है, पूरे इंडिया के लिए सोचता है, हो सकता है वो ज़्यादा काम कर रहा हो, लेकिन फार्मर की भाषा में तो कुछ भी काम नहीं कर रहा है ना। तो ऐसे वर्क की बात नहीं करेंगे जो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, हम लोग बात करेंगे ऐसे वर्क की जो सबके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर बताए, चाहे कोई भी नापे। तो फिजिक्स की भाषा में हम लोग बात करेंगे वर्क, और वर्क को हम लोग डिफाइन करेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी जिस फिजिक्स के वर्क की हम बात कर रहे हैं उसमें वर्क तब होगा जब फोर्स होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, और इनके बीच में एक बिल्कुल बढ़िया सा पर्टिकुलर फिक्स्ड रिलेशन भी हो। हर फोर्स डिस्प्लेसमेंट नहीं करेगा, और हर डिस्प्लेसमेंट किसी फोर्स के द्वारा की गई हो ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए इसमें भी एक थोड़ा सा जो है ट्विस्ट है। लेकिन मोटी मोटी बात अगर हम बात करें तो वर्क के लिए चाहिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, कम से कम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो चाहिए ही चाहिए। तो अगर हम लोग डिफाइन करें प्रॉपर तरीके से, अगर हम अब हम प्रॉपर तरीके की तरफ जा रहे हैं, फोर्स चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, इसीलिए उनका जो प्रोडक्ट डिफाइन किया जाएगा वो बड़ा सोच समझ के किया जाना चाहिए। तो जो प्रोडक्ट हम डिफाइन कर रहे हैं दोनों के लिए, दोनों वेक्टर क्वांटिटी होने के नाते हम लोग डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे। और अगर डॉट प्रोडक्ट आ गया तो इसको एक्सपेंड भी कर लेते हैं, एक्सपेंड करके हमें मिलेगा एफ का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब एक चीज और आ गई, फोर्स तो चाहिए चाहिए, डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए, एक प्रॉपर एंगल भी होना चाहिए, ठीक है, इन दोनों के बीच में, इसकी भी हम लोग बात करेंगे। तो ये हुआ हमारा वर्क जो हमने अभी शुरू किया है डिफाइन करना, फोर्स होना चाहिए वर्क करने के लिए, ठीक है, मस्ट है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट भी होनी चाहिए वो भी जरूरी है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर प्रॉपर एंगल भी होना चाहिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझते हैं कि इस एंगल का रोल क्या है। देखो फोर्स आपको समझ में आता है, फोर्स पुश एंड पुल, डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आता है, ठीक है, मूवमेंट मोशन, और प्रॉपर एंगल, ये प्रॉपर एंगल वाली बात थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एक फ्लोर है और इसके ऊपर हम लोगों ने रखा है एक ब्लॉक, ऐसे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, और अगर एक आदमी इसको पुश करता है, इसको धक्का मारता है, ऐसे धक्का मारेगा, इस तरीके से धक्का मारेगा, ठीक है, तो वो फोर्स इधर लगा रहा है, ओके, और जरूरी है कि हमारा ब्लॉक
इधर चलेगा, है कि नहीं? तो हमारा ब्लॉक इधर चलेगा अगर हम लोग बहुत सारी बातों को फिलहाल इग्नोर करें, फ्रिक्शन फ्रिक्शन की बात छोड़ करके, तो इस फोर्स की वजह से हमारा ब्लॉक इधर चलेगा। तो अब समझने वाली बात यह है कि ये सारा फोर्स डिस्प्लेसमेंट नहीं करवा रहा। अगर इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, यहां पर है डिस्प्लेसमेंट, डीएस कह देते हैं, ये फोर्स है, तो ये सारा फोर्स डिस्प्लेसमेंट नहीं करवा रहा, इसका कुछ हिस्सा ही, इसका कुछ पार्ट ही डिस्प्लेसमेंट करवाएगा। और रिजोल्यूशन अगर हम करें तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा जो डिस्प्लेसमेंट की तरफ है, और ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। अब देख रहे हो एफ साइन थीटा डिस्प्लेसमेंट नहीं करवा रहा, एफ कॉस थीटा डिस्प्लेसमेंट करवा रहा है। अब सीधी सी बात है, जो डिस्प्लेसमेंट करवाएगा वही काम करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट कौन करवा रहा है? एफ कॉस थीटा करवा रहा है। तो अगर हम अब डिफाइन करें तो इन दोनों की वजह से हम स्मॉल वर्क लिख सकते हैं एफ कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये फोर्स बॉडी को मूव करने में हेल्प नहीं कर रहा, ये तो उसके वेट को बढ़ा रहा है। अगर देखा जाए तो ये उसके वेट को बढ़ा रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट करने में हेल्प नहीं कर रहा। इसलिए जिस वर्क की हम बात करते हैं उसमें वो फोर्स लिया जाता है जो डिस्प्लेसमेंट करवाए, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट को रोके, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए। अगर डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, और अगर 90 डिग्री होगा तो जो वर्क होगा इसकी वजह से हम लिखेंगे एफ साइन थीटा डिस्प्लेसमेंट डीएस, और इन दोनों के बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल जो है वो 90 है, इसीलिए जीरो वर्क होगा। तो एफ साइन थीटा कोई काम नहीं कर रहा। बात समझ में आई? क्लियर है? तो कौन सा फोर्स काम करता है जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग हो? काम वही फोर्स करेगा जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होता है या डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है। बस एक काम करो, 90 डिग्री का नहीं होना चाहिए और कोई भी हो, ठीक है। 90 डिग्री का फोर्स काम नहीं करेगा, जो फोर्स 90 डिग्री एंगल पे लगेगा वो काम नहीं करेगा। बाकी कोई भी हो, किसी भी एंगल पे हो, वो पॉजिटिव या नेगेटिव काम कर सकता है। अब पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर लेते हैं, भाई पॉजिटिव काम कैसे और नेगेटिव काम कैसे। देखो इसी एग्जांपल को लेते हैं, अगर हमारा थीटा 0 से 90 के बीच में हो, 90 से कम और 90 से कम हो और 0 से बड़ा हो, तो हमारे कॉस की वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो वर्क हमारा पॉजिटिव आएगा अगर थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 0 के इक्वल या 0 से बड़ी हो और 90 डिग्री से छोटी हो। तो कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो जो वर्क होगा दैट विल बी पॉजिटिव। वो काम कैसा होगा? पॉजिटिव काम होगा। पॉजिटिव काम का मतलब क्या है? उससे एनर्जी बढ़ेगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, है ना, एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ेगी मतलब आप फोर्स भी इधर लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है। अब फोर्स तो एक्सेलरेट करेगा बॉडी को, है कि नहीं? एक्सेलरेट करेगा तो स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो पॉजिटिव वर्क का मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं क्योंकि आप थोड़ा बहुत वाकिफ हो। तो पॉजिटिव वर्क का मतलब है एनर्जी बढ़ेगी। आपने फोर्स लगाया तो स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ये मतलब है पॉजिटिव वर्क का, ठीक है। तो 90 डिग्री वाले का तुमने देख ही लिया कि ये वाला फोर्स कोई काम नहीं करवाएगा। दूसरा देखते हैं इसके कि अगर थीटा 90 डिग्री से बड़ा हो तो क्या होगा। तो अगर 90 डिग्री से बड़ा हो तो स्मॉल वर्क एफ कॉस थीटा और थीटा की वैल्यू अगर 90 से बड़ी इक्वल पे तो जीरो जाएगा, इसलिए इक्वल नहीं लिखा मैंने, और 180 के बराबर या 180 से छोटी, तो कॉस की वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव, ठीक है। चिंता मत करो, मैथमेटिकली बता रहा हूँ, अब फिजिकल रिलेशन भी, फिजिक्स मतलब कि कॉमन फील वाली एग्जांपल भी दूंगा आप लोगों को। तो अगर 90 डिग्री से बड़ा एंगल हो और 180 के इक्वल या 180 से छोटा हो तो नेगेटिव वर्क होगा,
ठीक है। अब नेगेटिव वर्क क्या काम करेगा, एनर्जी को कम करेगा ना। तो एग्जांपल लेते हैं, अगर अगर ये ब्लॉक चल के आ रहा है, ऐसे चल रहा है, इधर चल के आ रहा है, और ये बंदा इसको रोक रहा है, इसको रोक रहा है, ठीक है, इसको रोक रहा है, ऐसे फोर्स इस तरीके से लगा रहा है कि फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, तो ऑटोमेटिकली इस ब्लॉक की स्पीड कम होगी और ये रुक जाएगा। ऐसा ही वर्क तो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी करता है कि अगर आप किसी बॉडी को चला करके छोड़ देते हो, किसी बॉल को अगर आप चला करके छोड़ देते हो तो धीरे धीरे रुक जाता है, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ लगेगी, डिस्प्लेसमेंट इधर होगी। तो हम देख रहे हैं इनके बीच में एंगल 180 डिग्री है, और 180 डिग्री है तो कॉस 180 माइनस 1 होता है। तो ये बच्चा या ये आदमी इस ब्लॉक पर नेगेटिव काम कर रहा है, इसकी एनर्जी को डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नेगेटिव काम कर रहा है, वो इसकी एनर्जी को कम कर रहा है, ठीक है। और यही नहीं, ये तो 180 डिग्री एंगल है, अगर हम ऑब्ट्यूज एंगल लगाएं तो भी, यानी कि हमारा एंगल 90 से बड़ा और 180 के इक्वल या छोटा होगा तो नेगेटिव वर्क होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अब हमने दो बातें, तीन बातें पढ़ी, मतलब इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या पढ़ी, कि सभी फोर्स वर्क नहीं करते, ये वर्क नहीं कर रहा, ये वर्क कर रहा है, एक बात, ठीक है। और वर्क करना भी जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। और जीरो तो हमने देख ही लिया, ये कोई काम नहीं कर रहा तो ये इसका वर्क जीरो हुआ। पॉजिटिव काम कौन करेगा, पॉजिटिव काम वो करेगा जब एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होगी, फोर्स डिस्प्लेसमेंट करवाएगा। और नेगेटिव काम कब होगा, जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट को रोके, कम करे, या एनर्जी को घटाए, या वेलोसिटी को डिक्रीज करे, तब नेगेटिव वर्क होगा, ठीक है। अभी आप बॉल को ऊपर फेंकते हो, बॉल की स्पीड डिक्रीज करती जाती है, करती जाती है, करती जाती है, अंत में रुक जाती है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रही है कि नहीं। तो ग्रेविटी का जो फोर्स है वो नेगेटिव काम कर रहा है, लेकिन जब बॉल लौट के आएगी ना, जब बॉल लौट के आएगी तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तब स्पीड बढ़ती जाएगी, तब ग्रेविटी पॉजिटिव काम करेगी, तब उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। दोनों एग्जाम्पल हमने देख लिए, ठीक है। तो अब सारी बातों की एक बात, कि वर्क जो है हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तीनों टाइप का हो सकता है। फोर्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। और पॉजिटिव वर्क क्या कर सकता है वो हमने देख लिया, नेगेटिव वर्क एनर्जी के रिलेशन में क्या कर सकता है वो भी हमने देख लिया, और जीरो तो कुछ करेगा ही नहीं, ना तो स्पीड को इंक्रीज करेगा, ना स्पीड को डिक्रीज करेगा। अब जीरो का एक एग्जांपल और हम लेते हैं, पेंडुलम का एग्जांपल लें, तो उससे हमें मालूम पड़ेगा कि जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लगता है, असलियत में वो कोई काम नहीं कर रहा। अगर ये हमने कोई पेंडुलम ली, इस तरीके से कोई पेंडुलम हमने ली है, ये ऑसिलेट कर रही है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो टेंशन है, टेंशन का फोर्स वो डिस्प्लेसमेंट, चाहे इस तरफ हो वापस आते समय या आगे जाते समय, दोनों सिचुएशन में, ठीक है, ये हमारी जो टेंशन है कोई काम नहीं कर रही। टेंशन का काम क्या है, टेंशन का काम यहां पर ये है कि इसको सर्कुलर मोशन में बनाए रखे, है ना। तो सेंट्रीपेटल जो फोर्स होगा वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता है, उसका काम केवल डायरेक्शन चेंज करने का होता है, इसलिए हमने देखा ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में केवल सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है, टेंशन लगता है, जैसे पत्थर को घुमाओ आप, तो आपने जो टेंशन लगाई उसका काम क्या है, सिर्फ स्पीड को बनाए रखना और उसको सर्कुलर पाथ में बनाए रखना, ठीक है। स्पीड तो उसकी है लेकिन सर्कुलर पाथ में मूव करवाने के लिए टेंशन की जरूरत है, तो वो टेंशन स्पीड को इंक्रीज नहीं कर रही, ना डिक्रीज कर रही है, इसलिए वो काम भी नहीं कर रही। अगर आप देखो जो ग्रेविटी का फोर्स है अर्थ के ऊपर लगता है सन की वजह से, उससे क्या हो रहा है, उससे हमारी अर्थ की डायरेक्शन हर मोमेंट चेंज होती है लेकिन स्पीड में चेंज नहीं आता। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम मान सकते हैं अगर हम परफेक्ट उसको एक सर्कुलर पाथ माने तो, क्लियर है। तो हमने देखा कि जो फोर्स काम नहीं करता वो डायरेक्शन तो चेंज करता है, ठीक है। तो ये बात हमने करी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट और वर्क की। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं,
बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, फिर से मैं एक बार दोबारा से वर्क कौन सा फोर्स वर्क करवाएगा नहीं करवाएगा उसकी बात कर लेते हैं। मान लो ये एक आदमी है, कूली है, और ये कूली वजन लेकर के चल रहा है, इस तरीके से वजन लेके चल रहा है, इधर इस तरीके से चल रहा है, ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन से इस पे फोर्स लग रहे हैं, ये कितना फोर्स लगा रहा है, कहाँ लगा रहा है, उसकी भी बात कर लेते हैं। देखो, इस आदमी ने ऊपर की तरफ फोर्स लगाया हुआ है वजन को होल्ड करने के लिए, ठीक है, इस मास को होल्ड करने के लिए इसने ऊपर की तरफ फोर्स लगाया हुआ है, ओके। अच्छा, ये पीछे की तरफ पुश करता है, अर्थ इसको आगे की तरफ धकेलती है, ये फोर्स एफ है, ओके। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, आदमी आगे जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रही है, ठीक है। तो ये आदमी जब इस वजन को लेकर के जा रहा है तो इस पे इतने सारे फोर्स लग रहे हैं, तो कौन कौन से फोर्स वर्क करेंगे और कौन कौन से नहीं करेंगे, अब हम देख सकते हैं। जब हमने पढ़ लिया कि देखो ये वाला फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, आदमी आगे जा रहा है, फोर्स ऊपर लगा रहा है, तो ये वाला जो फोर्स है डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, सो दिस फोर्स डज नो वर्क, ये फोर्स कोई काम नहीं कर रहा, ठीक है, ओके। अब इस फोर्स की बात करें, इस फोर्स के दो कंपोनेंट, एक आगे चलने के लिए हेल्प करेगा, अगर ये एंगल थीटा है तो एफ कॉस थीटा होगा, दूसरा होगा एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा इसके वेट को बैलेंस करता है, एमजी को बैलेंस करता है, इसीलिए ये भी कोई काम नहीं करेगा। एफ कॉस थीटा आगे चलने में हेल्प करता है, डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, ये पॉजिटिव काम करेगा, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डज नेगेटिव वर्क, ठीक है। और फोर्स का ये कंपोनेंट, दिस फोर्स डज पॉजिटिव वर्क, ठीक है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमें थकाएगा, हमारी एनर्जी को घटाएगा, और ये फोर्स, ये आदमी की हिम्मत है, ताकत है, जिसको आगे लेके जाएगी, ठीक है ना। तो हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे फोर्स लगते हैं लेकिन सारे फोर्स वर्क नहीं करवाते, ओके। अब थोड़ा सा एंगल की भी फील लेने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हमारे पास एक आदमी है और वो क्या है, वो रेहड़ी चला रहे हैं, ठीक है, रेहड़ी, ठीक है, ठेला चला रहा है, ये उसका ठेला है, इस तरीके से ठेला है, थोड़ा सा फील लेने के लिए उसको 3D बना लेते हैं ऐसे, और ये उसके पहिए हैं, इस तरीके से व्हील्स हैं उसके, ऐसे ऐसे, एक पीछे वाला पहिया है, उसके भी व्हील्स इस तरीके से, और ये हैं उसके हैंडल्स, ये हैं उसके हैंडल्स, हैंडल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे फोर्स लगेगा तभी हमारा ठेला आगे चलेगा। अभी आपने देखा होगा कि आदमी इस ठेले को चलाने के लिए, ये जमीन है, इस तरीके से जमीन को पुश करता है और अपने हाथों को ऐसे रखता है, देख रहे हो, उसने अपने हाथों को ऐसे रखा हुआ है, अपने हाथों को ऐसे रखा हुआ है, ऐसे ऐसे करके चल रहा है, यानी फोर्स वो नीचे लगा रहा है, वो फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा है, ठेला आगे जा रहा है, यानी इस फोर्स का केवल ये वाला कंपोनेंट एफ कॉस थीटा ही आगे चलने में हेल्प करता है, एफ साइन थीटा उसके मास को, उसके वेट को इंक्रीज करता है, ठीक है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो पीछे ही। अभी अगर इस ये वजन बहुत ज़्यादा हो इसके अंदर, इस रेहड़ी में बहुत सारा वजन हो, तो आपने देखा होगा ये रेहड़ी वाला क्या करेगा, ये रेहड़ी वाला इस अपने आप को थोड़ा सा इस तरीके से झुकाएगा कि ज्यादा से ज्यादा फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अलोंग हो, यानी कि ऐसे, ये आदमी ऐसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, अपने आप को इस तरीके से झुका लेगा, ऐसे अपने हाथों को रेडी के लेवल पे लाके धक्का मारेगा, देख रहे हो। इस ठेले वाले को पता है कि अगर बहुत सारा वजन हो, अगर बहुत सारी
सामान बहुत सारा सामान इस पे लाद रखा हो, तो उसको झुक करके अपने फोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा, यानी छोटे से छोटा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में छोटे से छोटा एंगल रखना पड़ेगा, है ना। और सबसे आइडियल क्या होगा कि वो बिल्कुल हैंडल के लेवल में धक्का मारे, हैंडल के लेवल में आगे धक्का मारे, तब एंगल छोटा होगा, एंगल छोटा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग होगा और उसको चलाना आसान हो जाएगा। और अगर हल्की फुल्की रेडी है, कोई सामान ही नहीं है, तो वो बड़े आराम से इस तरीके से करके चल सकता है, ऐसे ऐसे, है कि नहीं। देखा ना आप लोगों ने, ये तो बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, ये हम सब जानते हैं, ये रेडी वाला भी जानता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको सही तरीके से समझने की कोशिश करें, तो हमने देखा ना एंगल की इंपॉर्टेंस, एंगल की इंपॉर्टेंस, अगर इस ऐसे इस एंगल पे अगर वो फोर्स लगाएगा तो सारा फोर्स उसको रेडी को चलाने में हेल्प नहीं कर रहा, कुछ उसके वजन को बढ़ा रहा है। लेकिन अगर वो अपना सारा सारा फोर्स आगे की तरफ लगाएगा ना, तो उसका कोई भी फोर्स उसके वजन को इंक्रीज करने में हेल्प नहीं करेगा, और सारा फोर्स डिस्प्लेसमेंट करवाएगा और सारा फोर्स काम करेगा और बढ़िया तरीके से रेडी को चला पाएगा, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा एंगल की भी फील ली कि एंगल की इंपॉर्टेंस क्या है, ओके, ठीक है। अब थोड़ी हम लोग बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की भी, बात कर लेते हैं कि वर्क करते समय जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो कैसे कैसे हमारे फॉर्मूले में हम लोग इंक्लूड करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक कोई बॉडी है वो इस तरीके से चल रही है, ऐसे करके इधर गई, लेकिन उस पर लगने वाला फोर्स हमेशा इस तरफ रहता है, ना तो फोर्स का मैग्नीट्यूड बदल रहा है, ना डायरेक्शन बदल रही है, बल्कि हम क्या देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से, मतलब मोशन उसका ऐसे है, ठीक है। यानी इस स्टार्टिंग पॉइंट से इस फिनिशिंग पॉइंट पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें तो डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसी होगी, ये होगी डिस्प्लेसमेंट, ये है फोर्स, ठीक है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट को फोर्स के अलोंग ले आएं, यानी जो वर्क वाला फॉर्मूला है हम लिखते हैं एफ डॉट एस, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ एस, एफ मैग्नीट्यूड ऑफ एस एंड कॉस थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, या ऐसे भी लिख सकते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो फोर्स के अलोंग है, यानी कि अगर ये एंगल थीटा हुआ तो डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट एस कॉस थीटा होगा जो फोर्स के अलोंग होगा, ठीक है। हम ऐसे भी कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, कौन कब किस सिचुएशन में फोर्स को रिजॉल्व करना अच्छा रहेगा या डिस्प्लेसमेंट को रिजॉल्व करना अच्छा रहेगा, वो हमें देखना है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। कि कभी कभी कैलकुलेशन करते समय फोर्स को रिजॉल्व करना इजी रहता है, कभी कभी डिस्प्लेसमेंट को रिजॉल्व करना इजी रहता है, ठीक है, या कभी कभी दोनों में किसी को भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं, रिजॉल्व किसी एक को ही करना है ताकि दोनों एक डायरेक्शन में आ जाएं, क्लियर। तो ये हुई थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट की हम लोगों ने बात करी। इसका एक एग्जांपल ऐसा रियल में ले सकते हैं कि अगर हमारा इंक्लाइंड प्लेन है और ये कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे हमेशा फोर्स ऐसे लगाया जाता है, फोर्स हमेशा ऐसे लगेगा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट है ये है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर ये है, डिस्प्लेसमेंट ये है, फोर्स हमेशा यही रहता है, एंगल थीटा है, तो हम लोग देखें अगर तो फोर्स को भी रिजॉल्व कर सकते हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को रिजॉल्व करना ज़्यादा ठीक लग रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट को रिजॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, अगर ये एस है, ये एस है पूरा, तो ये बन जाएगा, आप देख सकते हो, इसको एक्स लिख लेते हैं, एक्स बाई एस इज कॉस थीटा, x is equal to s cos theta, so ये जो displacement होगी s cos theta होगी, तो force into displacement f s cos theta, ये उस चीज का example है जब हमने displacement को resolve करना उचित समझा, clear है, बहुत अच्छी बात।
ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क, और फोर्स को रिजॉल्व करना, डिस्प्लेसमेंट को रिजॉल्व करना। और हमने ये देखा कि सभी फोर्स वर्क नहीं करते, सिर्फ वही फोर्स वर्क करता है जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होता है या अपोजिट होता है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है वर्क, इसलिए अपोजिट अगर होगा तो नेगेटिव वर्क करेगा और अलोंग होगा तो पॉजिटिव वर्क करेगा। ठीक है, अब हम थोड़ी सी बात फोर्स के टाइप की कर सकते हैं। देखो, फोर्स हमेशा जरूरी नहीं है कि एक सा ही रहे, फोर्स चेंज हो सकता है, फोर्स टाइम के साथ भी बदल सकता है, फोर्स डिस्टेंस के साथ भी बदल सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में वर्क कैसे निकालेंगे ये समझते हैं। सो हम लोग देखेंगे कि फोर्स किस किस टाइप का और कैसे कैसे हो सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर फोर्स हो कांस्टेंट, पहले बात करते हैं कांस्टेंट फोर्स की, कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, फोर्स अगर कांस्टेंट हो, कांस्टेंट फोर्स मतलब क्या है कि वो टाइम के साथ और किसी और चीज के साथ बदलेगा नहीं, हमेशा सेम रहेगा। तो एग्जांपल लेते हैं, मान लो फोर्स है 2i + 3j + 4k, ये फोर्स है। अब इस फोर्स का मीनिंग भी समझ लो, जरूरी नहीं ऐसे ही लिखा जाए, फोर्स ऐसा भी हो सकता है, मान लो 5 न्यूटन, ये कांस्टेंट फोर्स है, ये भी कांस्टेंट फोर्स है। इस फोर्स और इस फोर्स में कोई डिफरेंस नहीं है, बल्कि ये कहता है, इसमें हमें क्लियरली हमने दे रखा है कि 2 न्यूटन का फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है, 3 न्यूटन का फोर्स वाई एक्सिस के अलोंग लग रहा है, 4 न्यूटन का फोर्स जेड एक्सिस के अलोंग लग रहा है। इसके अंदर कुछ बताया ही नहीं है, इसमें हम कह सकते हैं भैया ये ऐसी सिचुएशन है, एक ब्लॉक रखा हुआ है और उस पर 5 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगता है, एंगल है थीटा, तो ये कॉन्स्टेंट फोर्स एग्जाम्पल है, ये भी कांस्टेंट फोर्स का एग्जांपल है। इसमें 2 न्यूटन का लगता है एक्स एक्सिस में, 3 लगेगा वाई एक्सिस में और 4 लगेगा जेड एक्सिस में। तो जरूरी नहीं ऐसा लिखा जाए, लेकिन ऐसा लिखने पर हमें क्लियरली पता है कि कौन सा फोर्स किस तरफ किस डायरेक्शन में कितना लग रहा है। ठीक है, तो मान लो ये कांस्टेंट फोर्स लग रहा है और हमारी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है 1, 2, 3 पॉइंट से 2, 3, 4 पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट हुई। ठीक है, तो वर्क निकालना है हम लोगों को, हमें डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, फोर्स दे रखा है। ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन दे रखी है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालनी पड़ेगी। तो पहले हम इनिशियल पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं। इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इनिशियल पोजीशन वेक्टर होगा i + 2j + 3k, और फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इससे मालूम पड़ेगा 2i + 3j + 4k। ठीक है, ये तो हमने मैथमेटिकली लिख लिया, लेकिन समझते हैं इसको ध्यान से। देखो, 2 न्यूटन का फोर्स एक्स एक्सिस में लग रहा है, 2 न्यूटन के फोर्स की वजह से हमारी बॉडी एक्स एक्सिस में 1 मीटर से 2 मीटर तक चली गई, अगर ये मीटर्स में दिया हो। हमारी बॉडी 2 न्यूटन के फोर्स की वजह से एक्स एक्सिस में 1 से 2 चली गई, यानी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई 1 मीटर की। तो हमारा एक्स एक्सिस में फोर्स कितना हुआ, हम लिख सकते हैं 2 × 1, है ना। सो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस हमारा हुआ 2 × 1, यानी कि 2 जूल। ठीक है, ये हमने वर्क निकाल दिया, फोर्स जो वर्क जो हमने एक्स एक्सिस के अलोंग किया, फोर्स 2 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट 1 से 2, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी भी 1 हुई ना, सो 2 जूल वर्क हुआ। इसी तरीके से अगर वाई एक्सिस की बात करें, ठीक, वाई एक्सिस की बात करें, तो हमारी बॉडी 3 न्यूटन के फोर्स की वजह से 2 से 3 मीटर चली गई, इनिशियल पोजीशन 2 मीटर थी, फाइनल पोजीशन 3 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई 1 मीटर ही हुई। तो वर्क डन अलोंग वाई एक्सिस हुआ वो भी 3 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर, यानी 3 जूल हुआ। इसी तरीके से अगर हम जेड एक्सिस के अलोंग फोर्स की बात करें, जेड एक्सिस के अलोंग फोर्स की बात करें, तो 4 न्यूटन के फोर्स की वजह से हमारी बॉडी 3 मीटर से 4 मीटर चली गई। तो हम लिखेंगे वर्क डन अलोंग जेड एक्सिस कितना हो जाएगा, फोर्स है 4, डिस्प्लेसमेंट है हमारी 3 से 4, यानी 1 मीटर, यानी ये बन गया, ये भी 4 जूल हो गया। सो टोटल वर्क कितना हुआ, सो टोटल वर्क हो जाएगा, इन तीनों को ऐड कर देंगे, 5 और + 4 9 जूल।
ठीक है, ये तो आ गया। लेकिन अगर हम इसको मैथमेटिकली करना चाहें तो मैथमेटिकली कैसे करेंगे, हम अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग करेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगी, डिस्प्लेसमेंट होगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। और ये कितनी आएगी, फाइनल पोजीशन हमारी लिख सकते हैं यहाँ पर, फाइनल पोजीशन है 2i प्लस 3j प्लस 4k माइनस i प्लस 2j प्लस 3k, और सब्ट्रैक्ट करके क्या मिला, हम मिलेगा 2i को i से करेंगे तो i, j को j से करेंगे तो यहाँ पर भी j, और 4 और 3 को करेंगे तो यहाँ पर भी, यहाँ पर k। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी कितनी आई, ये आई। सो वर्क हम लिखते हैं, वर्क हो जाएगा फोर्स, फोर्स की वैल्यू कितनी थी हमारी, ये, यानी कि 2i प्लस 3j प्लस 4k, और डिस्प्लेसमेंट डॉट i प्लस j प्लस k, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट हम जानते हैं, i को i से ही कर सकते हैं, i को j के साथ करेंगे तो 0 आएगा, i को k के साथ करेंगे तो भी 0 आएगा। तो हमें वर्क मिलेगा 2 प्लस 3 प्लस 4 यानी कि 9 जूल, ठीक है। ये थोड़ा मैथमेटिकली था, लेकिन यहां पर हमने फील से किया कि कौन सा फोर्स कौन से डिस्प्लेसमेंट करवा रहा है। 2 न्यूटन का फोर्स 1 से 2 लेके जाता है, 3 न्यूटन का फोर्स y एक्सिस से लॉन्ग लगता है, तो हमारी बॉडी y एक्सिस में 2 से 3 जा रही है, एंड सो ऑन। तो दोनों ही एक ही सिचुएशन है, यहां पर हमने डॉट प्रोडक्ट यूज करके मैथमेटिकली सॉल्व किया, यहां पर हमने थोड़ा सा फील लेने के लिए, थोड़ा अच्छा लगने के लिए हमने इस तरीके से किया, ठीक है। तो ये बात हुई कांस्टेंट फोर्स की, फोर्स कांस्टेंट होता है तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। अब हम वेरिएबल फोर्स की बात कर लेते हैं, ऐसा फोर्स जो वेरी करे। अब वेरी कर सकता है, कैसे कर सकता है, टाइम के साथ वेरी कर सकता है, टाइम के साथ बदलता जाए, और हो सकता है डिस्टेंस के साथ बदलता जाए, है ना। जैसे हम स्प्रिंग को दबाते हैं या खींचते हैं, तो दबाने और खींचते समय हम देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है दबाने के लिए। पहले थोड़ा सा फोर्स लगाओगे थोड़ा दब जाएगा, लेकिन और दबाने के लिए और ज्यादा फोर्स लगेगा, और दबाने के लिए और ज्यादा फोर्स, है ना, इस तरीके से। तो ऐसा फोर्स वेरिएबल फोर्स होता है। तो हम लोग बात करेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, हम लोग बात करेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ऐसा फोर्स जो बदलता रहे, और बदलने वाली चीज के लिए फिजिक्स में हम हमेशा इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, है ना। तो यहां पर भी हम वही करने वाले हैं बदलने वाले फोर्स के लिए। सो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, अगर मान लो फोर्स प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, मतलब फोर्स बढ़ता जा रहा है डिस्टेंस के हिसाब से, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में ये फोर्स वेरिएबल होगा और डिस्टेंस के साथ वेरी करेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, मान लो एफ इज इक्वल टू के एक्स, है ना, फोर्स डिस्टेंस के साथ बढ़ता जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन हम वर्क कैसे निकालेंगे, ऐसी सिचुएशन में हम लोग अपने डिस्प्लेसमेंट को, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अलग अलग पोजिशन पर अलग अलग फोर्स होगा, है ना, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जा रही है फोर्स बढ़ता जा रहा है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी डिस्प्लेसमेंट को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर लेंगे, और इतने छोटे पीस में ब्रेक कर लेंगे, इतना छोटा पीस ये होगा कि यहाँ पर फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो इतनी सी डिस्प्लेसमेंट करने के लिए हमें जो स्मॉल वर्क करना पड़ेगा वो होगा एफ डी एक्स, ये है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करने के लिए किया गया काम। और अगर हम जीरो से एल तक जाते हैं तो हमें टोटल काम कितना करना पड़ेगा, तो हमें टोटल काम करने के लिए ऐसे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट करते जाएंगे और उनसे किया गया काम जोड़ते जाएंगे या इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमें मिलेगा टोटल वर्क यानी कि एफ डी एक्स। और एफ की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, एफ की लिखी के एक्स, और डिस्प्लेसमेंट डी एक्स, लेकिन लिमिट कहां से कहां तक, जीरो से एल। हमने डिस्प्लेसमेंट कहां से करनी शुरू करी, जीरो से करते करते एल तक गए, तो टोटल वर्क हम करेंगे जीरो से एल तक। सो वर्क कितना आएगा, इंटीग्रेट करते हैं, के एक्स स्क्वायर बाई टू, जीरो टू एल, लिमिट्स पुट करने के बाद मिलेगा के एल स्क्वायर बाई टू। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। क्या कोई और तरीका भी है इंटीग्रेशन के अलावा, हाँ बिल्कुल है। अगर हम इसका एक ग्राफ बना लें, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बना लें ऐसे,
तो ये हमारा फोर्स इधर होगा और ये हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी। अब देख सकते हैं ग्राफ तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, इंटरसेप्ट जीरो है तो और पॉजिटिव स्लोप है तो हमें ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। मान लो जीरो से आप एल तक गए, जीरो से एल तक गए तो इसके अंडर जो एरिया होगा ना, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ भी वर्क बताएगा, गिव्स वर्क डन। निकालना चाहेंगे? ओके निकालते हैं। सो वर्क इज इक्वल टू इस ट्रायंगल का एरिया हाफ इनटू बेस, बेस कितना है एल, हाइट कितनी है, हाइट इज इक्वल टू व्हाट, हाइट इज इक्वल टू एफ, हाइट तो एफ के इक्वल है ओके। लेकिन यहां पर फोर्स कितना हो जाएगा जब हमारे डिस्प्लेसमेंट एल के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू के एक्स है तो यहां पर जो फोर्स होगा वो होगा के एल, ठीक है। तो जीरो फोर्स और यहां पर के एल फोर्स, सो वन बाई टू एल और एफ की वैल्यू के एल, तो ये वही आंसर नहीं आया के एल स्क्वायर बाई टू। इस तरीके से भी कर सकते हैं। और अगर मान लो फोर्स अजीबो गरीब हो, बेकार सा फोर्स हो, कोई रिलेशन नजर ना आए, तो हम अगर ऐसा ग्राफ हमें मिलता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ऐसे मिलता है, तो भी हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं छोटे छोटे स्लाइस में इसको बांट करके, ताकि हर छोटी स्लाइस एक ट्रेपीजियम नजर आए। तो हम पूरी स्लाइसिस को ऐड करते करते, स्लाइसिस के एरिया को ऐड करते करते वर्क डन बाई सच ए फोर्स हम निकाल सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो एरिया से भी आप कर सकते हो, और अगर कोई रिलेशन दे रखी है तो इंटीग्रेशन की मदद से भी हम लोग कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ये एग्जांपल हुआ वर्क डन बाई अ वेरिएबल फोर्स जो डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा था। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जो फोर्स है वो टाइम के साथ चेंज हो, तो इसका एग्जांपल लेते हैं। सो वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स विच चेंजेस विद टाइम, जो समय के साथ बदले, तो हमारे फॉर्मूले में टाइम आना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। सो हम ऐसे फोर्स की बात करेंगे जो टाइम के साथ चेंज होगा, फोर्स प्रोपोर्शनल टू टाइम, फोर्स टाइम के प्रोपोर्शनल है। फोर्स इज इक्वल टू मान लो सम कांस्टेंट इन टाइम टी, ऐसा फोर्स है, ठीक है। हमारी बॉडी का मास है एम, और मान लो हमें निकालना है वर्क डन इन मान लो 5 सेकंड्स, फाइंड वर्क डन इन 5 सेकंड्स, हमें 5 सेकंड में वर्क निकालना है, ठीक है, करते हैं। ऐसी सिचुएशन में भी हम लोग इंटीग्रेशन की मदद लेंगे क्योंकि वेरिएबल है, ओके। सो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल वर्क फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एफ, हमारी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएक्स ले लेते हैं, ले ली ओके। अब हम देख रहे हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन नहीं दी है, यहां पर तो फोर्स और टाइम के बीच में दी है, तो हम लोगों को कुछ चेंज करना पड़ेगा, कुछ जुगाड़बाजी करनी पड़ेगी। फोर्स को लिख लेंगे, हमें दे रखा है के टी, ओके। अब dx का कुछ भी हमारे पास नहीं है तो हम dx को एलिमिनेट करेंगे, कैसे करेंगे, dt से डिवाइड कर देंगे और dt से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। अब dx by dt क्या होगा, dx by dt तो वेलोसिटी होती है, तो हम मिला kt v dt। अब वेलोसिटी का क्या करें, ये भी सोचने वाली बात है, लेकिन हमारे पास फोर्स है, बॉडी का मास भी है, एक्सेलरेशन निकालेंगे तो वेलोसिटी भी आ जाएगी, है ना, तो करते हैं उससे। तो अगर हमें फोर्स दिया है के टी, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन दिया हुआ है के टी, तो एक्सेलरेशन हुई के टी बाई एम, है कि नहीं। अब एक्सेलरेशन दी है, हमें वेलोसिटी चाहिए, तो हम ऐसे करेंगे डी वी बाई डी टी दैट इज इक्वल टू के टी बाई एम, यानी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू के टी बाई एम इनटू डी टी, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, हमें तो वेलोसिटी चाहिए, तो के टी बाई एम डी टी। तो अगर हम इंटीग्रेट कर दें, डी वी को इंटीग्रेट कर दें, तो हमें मिलेगी वेलोसिटी और वो होगी के टी डी टी बाई एम का इंटीग्रेशन, और हमें क्या मिलेगा, वो मिलेगा के टी स्क्वायर बाई टू एम, ये हमें मिली वेलोसिटी। अब वेलोसिटी मिल गई तो हम लोग वर्क निकाल सकते हैं, सो इसकी वेलोसिटी पुट कर देते हैं वैल्यू के टी, और वेलोसिटी वैल्यू कितनी है के टी स्क्वायर बाई टू एम डी टी,
ये हुआ हमारा स्मॉल वर्क। अब देख रहे हो सारी सिचुएशन सब कुछ टाइम के ऊपर डिपेंडेंट आ गई। अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं कहां से कहां तक, 5 सेकेंड्स, 0 से 5। सो इंटीग्रेट करेंगे 0 से 5 के k square को बाहर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट है। 2m को भी बाहर निकाल लेते हैं, ये भी कांस्टेंट है। अंदर बच गया t cube dt, तो क्या मिलेगा, k square by 2m t raised power 4 by 4 0 to 5। अब तो इंटीग्रेशन हो जाएगी। सो टोटल वर्क हमारा क्या आएगा, इसको यहां लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा इधर, सो ये हमारे पास इधर ले आते हैं। सो टोटल वर्क डन इज k square by 2m और 5, तो टी की जगह 5 raised power 4 by 4 minus 0, तो हमें मिला k square into 5 raised power 4 upon 8m। ये हुआ हमारा वर्क डन, क्लियर है। तो ये वो सिचुएशन थी जब हमने देखा हमारा फोर्स टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। हम जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे उसमें इसी तरीके से होगा, या तो कांस्टेंट फोर्स होगा हमने सीख लिया, अगर वेरिएबल फोर्स होगा तो वो डिस्टेंस के साथ वेरी कर सकता है वो भी हमने सीख लिया, हो सकता है वो टाइम के साथ वेरी करे वो भी हमने देख लिया, इस तरीके से करेंगे। कभी कभी ऐसा फोर्स भी होता है जो एक्स और वाई वेरिएबल दोनों एक साथ वेरी करें, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, पहले हम उसका एग्जांपल लेते हैं ऐसा फोर्स कैसा होगा। सो अगला है कि जब हमारा वेरिएबल फोर्स कुछ ऐसा हो, जब हमारा फोर्स वेरिएबल फोर्स कुछ इस तरीके का हो, एफ इज इक्वल टू 2xyi cap plus x square j cap, कुछ इस तरीके का फोर्स हो, ऐसा फोर्स देख रहे हो, x एक्सिस के अलोंग फोर्स जो है x और y दोनों पे डिपेंड करता है, y एक्सिस के अलोंग फोर्स x स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ऐसे अजीबोगरीब सा फोर्स है, और हमारी डिस्प्लेसमेंट है कुछ। सो जो स्मॉल वर्क निकलेगा वो हम ऐसे निकालेंगे, f.dx f.dr, बल्कि है कि नहीं, और अगर हम इसको लिखें तो ऐसे लिखेंगे 2xyi plus x square j, और dr यानी डिस्प्लेसमेंट अलोंग द x एक्सिस dxi एंड dyj, ऐसे लिख लेंगे अपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को। अगर हम इसको ओपन करें तो हम मिलेगा 2xy dx plus x square dy मिलेगा। अब क्या करें, देख रहे हो ये तो सिचुएशन अजीबोगरीब है, ऐसी सिचुएशन में हम लोग वर्क डन नहीं कर पाएंगे, वर्क डन नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें x और y के बीच की रिलेशन का नहीं पता। अगर x और y बीच की रिलेशन पता होती तो हम पुट करके सॉल्व कर सकते थे, हमें तो फोर्स ऐसा दिया हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में हम अपने इस चीज को अगर एक डिफरेंशियल कांस्टेंट के फॉर्म में मान लें, डिफरेंशियल निकाल सकें इसका, तो हम कर पाएंगे। तो डिफरेंशियल कैसा होगा, डी हम देख सकते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर वाई को डिफरेंशिएट करो पार्शियली तो हमें यही चीज मिलती है ना। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ऐसा कर पाओ, ठीक है, जो भी आपका ऐसा फोर्स होगा आप जरूरी नहीं कि आप डिफरेंशियल फॉर्म में लिख पाओ। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे x के अलोंग करेंगे, x के अकॉर्डिंग करेंगे तो हमें मिलेगा 2xy, फिर y के अकॉर्डिंग करेंगे y के अलोंग मतलब कि y के हिसाब से करेंगे तो हमें मिलेगा, विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो मिलेगा x square, है ना। तो हम इसको डिफरेंशिएट करके पार्शियली ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा इस फॉर्म में लिखा जाए जरूरी नहीं होता। इसलिए वर्क डन ऐसी सिचुएशन में तभी निकाल पाओगे जब आप ऐसे फोर्स को ऐसे वर्क को आप डिफरेंशियल फॉर्म में लिख पाओ। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर वाई मिलेगा, तो वर्क हमारा आ जाएगा। लेकिन ये थर्ड फॉर्म है ना, ये वर्क की निकालने की थर्ड फॉर्म है जिसमें फोर्स ऐसा इस टाइप का हो, ठीक है, जिसमें एक्स और वाई के साथ एक्स के अलॉन्ग वेरी करे और y के अलोंग भी x और y की तरीके से ही वेरी करे, x और y के ऊपर डिपेंडेंट हो, ऐसी सिचुएशन में वर्क डन निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, आसान हो जाएगा अगर हम उसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिख पाएं। वो आपको चेक करना है कि आप डिफरेंशियल फॉर्म में लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे, ठीक है।
तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने वर्क के बारे में पढ़ा। आज हमने बहुत काम किया और वर्क हमने देखा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। हर फोर्स डिस्प्लेसमेंट नहीं करवाता, ठीक है। जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग होता है वो पॉजिटिव काम करवाएगा, जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगा वो नेगेटिव काम करवाएगा। या ऐसे कह लो कि जो फोर्स 90 डिग्री के एंगल से ज्यादा एंगल पे लगेगा डिस्प्लेसमेंट के, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में अगर 190 से बड़ा एंगल होगा तो नेगेटिव काम करवाएगा, और एक्यूट एंगल होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल एक्यूट होगा 90 से कम होगा तो वो पॉजिटिव काम करवाएगा। पॉजिटिव काम करने का मतलब ये है कि एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, और नेगेटिव काम करने का मतलब ये है कि एनर्जी डिक्रीज करेगी। बहुत अच्छी बात। अब जरूरी नहीं है कि आप हमेशा फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के अलोंग ही रिजॉल्व करो, आप डिस्प्लेसमेंट को भी रिजॉल्व कर सकते हो फोर्स के अलोंग, ये भी हमने सीखा। और हमने क्या सीखा? और हमने सीखा कि फोर्स जरूरी नहीं है कि आपका हमेशा कांस्टेंट हो, फोर्स बदल भी सकता है, फोर्स चेंज भी हो सकता है, वो टाइम के साथ भी बदल सकता है और वो डिस्टेंस के साथ भी चेंज हो सकता है, हमने ये एग्जांपल भी देखे। और जब फोर्स वेरिएबल होता है तो हम इंटीग्रेशन की हेल्प लेते हैं, और कभी कभार हम लोग ग्राफ की हेल्प भी ले सकते हैं अगर हम ग्राफ प्लॉट कर पाए तो, ठीक है। तो आज हमने इंट्रोडक्शन किया वर्क के बारे में और सारी चीज़ें इसके अंदर कवर कर ली कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कैसी कैसी रिलेशन हो सकती है और कैसा कैसा वर्क हम निकाल सकते हैं। तो ये था वर्क के बारे में। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में। सी यू, बाय।